लोग यहाँ पान अरुणाचल जोन स्टेयरिंग कमेटी ये प्रेस क्लब अरुणाचल में ये आया है कि हम लोग ये गवर्नमेंट का तरफ से अपडेट मिला है कि उस दिन 3rd of this month यानी ये दिसंबर का 3rd को ये 2022 को हम लोग ने इन कोलाबोरेशन विथ अंसु ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन हम लोग मास रेफरेंडम रैली किया था। तो रैली में बहुत तादाद में आदमी आया था, मोर देन 10,000 पीपल पार्टिसिपेटेड। और उसका ये नतीजा आया था कि 13 पॉइंट डिमांड जॉइंट स्टेयरिंग हम लोग जो कमेटी ने अंशु को सौंपा और अंशु ने उसको गवर्नमेंट में दिया, मेमोरेंडम सबमिट किया। और उसका चलते इट टुक मोर देन 15-16 डेज और 19 डेज के बाद ये आता है कि उसमें कुछ थोड़ा सा पॉइंट को उन लोग ने एड्रेस किया है, थोड़ा सा बस आप कह सकते हैं 5%। तो हम लोग का ये कहना है तो हमारा बाकी पॉइंट कहाँ है, बाकी पॉइंट को तो एड्रेस किया है नहीं, बहुत की पॉइंट है आप लोग को भी पता होगा उसमें 13 पॉइंट डिमांड में आप लोग के पास भी शायद मीडिया फ्रेंड्स का पास अवेलेबल है और हर घर अभी इसको वाकिफ है ये पॉइंट को लेके। तो शायद मुझे ये फिर से आपको बताना ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम ये कह रहा है कि गवर्नमेंट हम लोग का ये इशू को लेके सीरियस नहीं है, वो हम लोग का साथ खेल रहा है, यानी हमारा साथ खेल रहा है, यानी कि हर घर का साथ खेल रहा है। हर घर जितना APSS एग्जाम देता है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, सर्विस कमीशन में जो जितना भी एग्जाम दे रहा है उसका साथ खेल रहा है। अभी तक देखिए ये अगस्त का बात है, अगस्त महीना का बात है पेपर लीकेज, तब से हम कह रहे हैं कि हम लोग को देखिए आपका इन्वेस्टिगेशन भी चलते रहिए, एग्जाम भी हम लोग को लिखना है। अगर लिखना है तो हम लोग देखिए आपका APSS से हम लोग ट्रस्ट उठ चुका है, विश्वास नहीं है। आप वही आदमी फिर वही कारोबार करेगा, किसी को पेपर देगा, किसी को ये याद करके मीन्स मेमोराइज करके जाके लिखने देगा, किसी को फिर फेल वाला को लिखने देगा, ये चलते रहेगा। इसलिए इसको ओवरहॉलिंग अच्छा से करने के लिए हम लोग एग्ज़ाम भी देते रहेगा, ये उसका कर जब तक नहीं करेगा तब एग्ज़ाम देते रहेगा, UPSC को इंडोर्स आप करेगा तो। ये भी कहा था वो सब पॉइंट को आप एड्रेस नहीं किया, और बाकी जैसे नाल पॉइंट बहुत पॉइंट है जो आप लोग भी बाकी में एड्रेस नहीं किया, कुछ कुछ छोटा सा पीनट्स पॉइंट निकल के बस हम लोग को ऐसा किया कि लॉलीपॉप खिलाया जैसा, ऐसा हो गया। तो हमारा ये गवर्नमेंट ऐसा है कि देखिए गवर्नमेंट तो हम लोग का पेरेंट है, माँ पिताजी है। तो माँ पिताजी का काम क्या है, आपका बेटा बेटी जो भी है, ये हम पिताजी माताजी हम भूखा है नहीं बोलने से भी ये खाना खिलाना है, उसका काम ऐसा है। हम तंदा लगा है बोलने का जरूरी नहीं बच्चा को बेटा को, उसका काम है मेरा बेटा मेरा बेटी अभी तंदा लगा हो, तंद हुआ होगा इसलिए कपड़ा पहनना है, उसका काम ये है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट ऐसा है कि जब तक मैं भूखा हूँ मैं प्यासा हूँ बच्चा नहीं बोलेगा तब तक ये खिला पिलाता नहीं, वो भी बार बार अब रोना पड़ेगा, बार बार रोना पड़ेगा तब ये लोग तोड़ा तोड़ा करके ये करता है। तो हम लोग का यहाँ का आने का ये मकसद है कि अभी देखिए हम लोग मास रेफरेंडम रैली किया, पहले मैंने आपको जिसे बताया ऐसे ही हम लोग और करेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट हम लोग को सुन नहीं रहा है। अभी हम लोग ये मूवमेंट और बहुत बड़ा तादाद में करना चाहता है। हम लोग जब तक हम लोग का 13 पॉइंट डिमांड को फुलफिल 100% नहीं करेगा ये रुकेगा नहीं। हर घर का ये आवाज़ है, हर घर जो जितना भी अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम देता है वो आदमी सब कह रहा है जब तक ये 13 पॉइंट डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा ये रुकेगा नहीं, ये सड़क पे आएगा, जहाँ भी आना है आएगा। इसलिए हम लोग प्लान कर रहा है कि एक और बड़ा रैली हो या फिर एक हम लोग फास्ट अंतुदेत हो या फिर और डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो भी अप्रोप्रेट होगा हम लोग करने जा रहा है। इसके लिए हम लोग ये भी कहना चाहता है कि अभी देखिए ऐसा करने के लिए बहुत ये फाइनेंशियल का भी जरूरी होता है, ऐसा घर में बैठे बैठे आप नहीं समझेगा, फील्ड में आना पड़ेगा। उसके लिए हम ये कह रहा है कि देखिए जैसे आप लोग ने उस रेफरेंडम रैली को सक्सेस करवाया, चलो रैली तो सक्सेस हुआ लेकिन पॉइंट को अभी तक हम लोग का सक्सेस नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा ही आप लोग आना होगा और आने के लिए आप लोग तैयार रहिए। और साथ ही साथ उसमें हम लोग क्या होगा कि बहुत कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग को थोड़ा ये फंड शॉर्टेज हो गया, आप लोग उसके लिए भी हम लोग को जैसे हम लोग का ये पान अरुणाचल जोन स्टेयरिंग कमेटी का एक अकाउंट नंबर भी सर्कुलेट हो रहा है और इसमें QR कोड भी है, उसमें आप लोग देते रहिए, ये हम लोग अपील करने आया है। और ऐसा है जैसे हम लोग का और एक प्रॉब्लम है,
वो तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम को तो आप लोग को मैंने एड्रेस कर दिया, और एक प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग एफ आई आर दिया था ये SIC में, पूरा सारा ये जो अफेक्टेड वाला ये डिपार्टमेंट ये एफ आई आर इंडिविजुअली दिया, जैसे आपका AE हो गया, JE हो गया, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, अलग अलग ADO हो गया, HDO हो गया, PGT, TGT, SI, सबका इन लोग ने क्या किया, अपना कन्वीनियंट के लिए SIC ने वो लोग मेन पावर नहीं करके क्लब किया। तो हम आप लोग को फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये क्लब करने के लिए हम लोग कभी अपील किया ही नहीं, डिमांड रखा ही नहीं, परंतु इन लोग ने क्लब करके इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। तो हम लोग जिसे पाया गया है, देखिए 2017 ये कंबाइंड कंपिटेटिव पकड़ा, तो उसका थरोली इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं, दो आदमी तीन आदमी पकड़ा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ये डिपार्टमेंट में वो लोग जंप कर गया। तो हम ये कह रहा है कि ऐसा टेक्टिक्स, ऐसा ये प्रोसेस ये ठीक नहीं है। हम लोग का जॉइंट स्टेयरिंग कमिटी ये कह रहा है ये FIR को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करके हर डिपार्टमेंट का अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चलते रहना पड़ेगा, वो भी साइमल्टेनियसली चलते रहना पड़ेगा। अभी ऐसा कर रहा है, एक डिपार्टमेंट का करेगा, दूसरा का रखा है, उसका बाद में करेगा, ये नहीं होना है। FIR दिया है, अलग अलग सा ये इन्वेस्टिगेशन चलते रहना पड़ेगा। ये वाला जैसे हम लोग कोर्ट हियरिंग में भी सुन ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम जैसे देखा सुना है कि वो लोग ये कह रहा है कि जैसे मर्डर कोई किया है और तीन चार आदमी किया है, सबका FIR आप ये क्लब करेगा क्या, ये भी ऐसा लीगली भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए हम लोग अपील कर रहा है, अभी हम लोग ये SIC को ये हम लोग का रिप्रेजेंटेशन भी देके आया है कि आप लोग जल्द से जल्द उसको सेग्रीगेट कर देना है बोल के। और हम लोग ये भी कहा है कि देखिए अभी हम लोग तो SIC का जितना केस है CBI को हम लोग डिमांड किया था, CBI ED हम लोग का डिमांड में है, तो गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा कॉग्निजेंस लेके CBI को इंडोर्स करने का बात है। तो कुछ ही समय में ये न्यू ईयर में ऐसा हो सकता है कि हम लोग का केस को SIC से CBI में ट्रांसफ़र हो सकता है। हम लोग इसलिए इसको SIC को ये भी कहा है कि आपका बिफोर यू ट्रांसफ़र आवर केस टू CBI आप सेग्रीगेट करके ही भेजना पड़ेगा, ये है ताकि CBI से अच्छा से डिपार्टमेंट वाइज इन्वेस्टिगेशन चले, ऐसा है। तो हम लोग ने ये SIC से ये भी कहा है कि जब आप ट्रांसफ़र करेगा आपका केस को CBI को, आप ये हम लोग को ये अच्छा से बताना पड़ेगा कि हम लोग का केस कहाँ तक था, आप लोग ने कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन किया और किस स्टेटस से आप उसको भेज रहे हैं, स्टेटस को अच्छा से बताना पड़ेगा। ऐसा करके हम लोग ने ये SIC को अभी बोल के आया है। तो फर्दर हमारा ये जो कलीग है कुछ और बोलेंगे। A very good afternoon, my beloved Arunachal Pradesh. जो आप सब लोग वाकिफ है कि हमारा मूवमेंट क्या है आप लोग अच्छी तरह से पता है, और इसलिए इसका इतना डिटेल जाना ज़रूरी नहीं है। तो आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये जो हमारा मूवमेंट है, ये जो हम हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का जो मोमेंट था उससे कुछ अलग मोमेंट नहीं है। उस टाइम को हमारा जो मोमेंट था, हमारा जो फाइट था, वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। लेकिन इस टाइम का जो हमारा फाइट है वो है हमारा नेपोटिज्म का अगेंस्ट, फेवरेटिज्म का अगेंस्ट, करप्शन का अगेंस्ट, एम्बेजलमेंट का अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट फाइट है। तो इस फाइट में, इस मोमेंट में अगर हम लोग यूनाइटेड नहीं रहेगा, एकजुट होकर नहीं लड़ेगा, तो हम लोग इससे कभी हम लोग को फ्रीडम मिलने वाला नहीं है। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल के समय में पूरा इंडिया यूनाइटेड होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था, उसी तरह इस टाइम हमें पूरा अरुणाचली यूनाइटेड होकर इस सोशो इकोनॉमिक कैंसर को हमको हटाना होगा सोसाइटी से। और हमें पता है कि हम क्या कर रहा है, हम जो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी का जो मेंबर्स है उसको अच्छी तरह पता है कि हमारा फाइट किसके साथ है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे जस्ट ऐसे अंधाधुन आ गया, हमको अच्छी तरह पता है हमारा फाइट किसके साथ है और ये कैसे चलने वाला है। ये कोई आसान काम नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, बल्कि ये सबसे मुश्किल काम होगा अभी तक का हम लोग अरुणाचल में। तो हम कुछ चंद यूथ्स मिलके इसे तो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। आप अगर सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, घर के अंदर में बैठ के
बात करते हैं कि हाँ ये सब है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। जस्ट बोलने से कुछ नहीं होगा। आप आपके तरफ से जो बन पड़ेगा, जो आप कर सकते हैं, वो प्लीज़ आप कीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा गवर्नमेंट है और हमारा जो पब्लिक सर्वेंट्स है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है। गवर्नमेंट जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो हमारे हित के लिए वो पोस्ट पे, वो कुर्सी पर वो बैठा हुआ है। और जो गवर्नमेंट सर्विस है, सर्वेंट है, वो पब्लिक को सर्व करने के लिए उस पोस्ट पे बैठा हुआ है, उस प्रेस्टिजियस पोस्ट पे। अगर वो पोस्ट पे बैठ के अगर वो एक गरीब इंसान को, एक आम आदमी को अगर उसका राइट्स, उसका हक नहीं दे पाएगा, तो तब तो उसका इंटीग्रिटी पर सवाल खड़ा होना जायज़ है। और मैं ये पब्लिक को ये कहना चाहूँगी कि अभी ऐसा है कि हमारा फाइट जो हमारा अपने लोगों के साथ है, अपने आदमी अपनों के साथ है फाइट, तो ये आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग जस्ट ऐसे ही सोच के रहते रहे कि अपनों का साथ है, हो जाएगा, कुछ नहीं चलता है, ऐसा होने से नहीं होगा। और हमें अभी यहाँ पे सेल्फलेस होके काम करना पड़ेगा, हमारा सोसाइटी का भलाई को सोच के। जैसे कि अगर फ्रीडम स्ट्रगल के समय में अगर गांधी जी, नेहरू, नेताजी लोग भी अगर जस्ट अपने लिए ही सोच के अगर वो लोग चुप बैठ सकते थे, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला था, क्योंकि वो लोग वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता था। और इसी तरह जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना ICS का ऑफिस को, इंडियन सिविल सर्विस का ऑफिस को, पोस्ट को छोड़ के उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना भाग लिया और अपना लाइफ को उसमें सेक्रीफाइस किया। अगर वो लोग भी ऐसा सोचता तो हमको फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस मिलने के लिए बहुत ही समय लग जाना था। तो अभी अरुणाचल के लिए ये हमारा राइट टाइम है कि हम सब एकजुट होके, सेल्फलेस होके, अपने स्टेट के बारे में सोच के आगे आए और कुछ करें, ताकि हम कल को फ्यूचर में रिग्रेट ना करें कि उस टाइम को समय था, हम लोग जो कर पाता था, हम लोग करना चाहिए था पर नहीं कर पाया, तो ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और जो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हम लोग अंदर में एक पेट्रियटिज्म का फीलिंग होना ही पड़ेगा। अगर हम लोग एज ए इंटेलेक्चुअल पर्सन खुद को बोलते हैं, एजुकेटेड पर्सन बोलते हैं, अगर आपका एजुकेशन, आपका क्वालिफिकेशन वो सोसाइटी का कुछ काम नहीं आएगा, तो आप एजुकेशन लेने का क्या फ़ायदा है? एजुकेशन का मोटिव ही ऐसा है। हमारा जो पुराने इंटेलेक्चुअल्स है, उसने एजुकेशन सिस्टम को इसीलिए बना है ताकि ह्यूमन रेस डेवलप कर सके, आगे बढ़ सके। डिस्कवरीज, इन्वेंशन इसीलिए हुआ है कि ह्यूमन रेस का भलाई हो। तो अगर आपका सोच, थॉट्स और इंटेलेक्चुअल और नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन को आप सोसाइटी का बेटरमेंट के लिए यूज़ नहीं कर पाएगा, तो आई डोंट थिंक कि आपका वो एजुकेशन कुछ मायने रखता है। और इसी तरह जैसे कि हम 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, और अभी ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया, और ये अभी हम लोग का चल रहा है गुड गवर्नेंस डे। तो ये सब में अगर आप जस्ट में पार्टिसिपेट करना है, तो जो ग्राउंड रियलिटी में जो चेंजेस चाहिए, जो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, उसे हमें ज़रूर डालना पड़ेगा। इसीलिए मैं पब्लिक से अपील करती हूँ कि आप चुप मत रहिए, डरिए मत, आगे आइए और हमारा सोशल कोर्स में हमें साथ दीजिए। और ये मुहिम को हमें आगे ले जाने के लिए, ये मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए हमें बहुत फंड का ज़रूरी होगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, कुछ आसान काम नहीं है। बहुत अभी जो हम लोग करने वाला है वो अरुणाचल का हिस्ट्री को डिसाइड करेगा कि कल को अरुणाचल कैसा होने जा रहा है, उसे डिसाइड करने वाला है। इसीलिए इसके लिए हमें मास मोबिलाइजेशन का ज़रूरी पड़ेगा इन कमिंग फ्यूचर। तो इसके लिए हमें डोनेशन वगैरह का भी ज़रूरत पड़ेगा, तो हमने स्टार्ट कर दिया है अभी से डोनेशन। तो आप फिजिकली आप सपोर्ट नहीं कर पाने से भी आप मोरली, फाइनेंशियली ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि हम अपना अरुणाचल को एक अच्छा प्लेस बना सके, एक बेटर प्लेस बना सके, जहाँ पे हर पढ़ाई करने वाला बच्चा, हर मेहनती बच्चा को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एक फ्री एंड फेयर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का। उनका मेहनत, उनका पेरेंट्स का पैसा बेकार में नहीं जाना चाहिए। और जैसे हमारा मोदी जी तो कहता ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
इस मोटो को लेके अगर हम लोग आगे बढ़े तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा अरुणाचल एक वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बन के उभरेगा इंडिया में. थैंक यू. इसमें ऐसा है, फर्स्ट एफआईआर ऐसा गया है 2017 का जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसमें सबका एफआईआर को क्लब किया है. ये ऐसा है. तो जब हम ये इसमें प्लीडिंग में भी सुनता है कोर्ट में, तो ये इन लोग का जो एक्यूज लोग का कहना है कि इसमें तो मेरा नाम है ही नहीं, हम उसमें एग्जाम दिया नहीं. जैसे थॉमस गादुक हो गया, उसका प्लीडिंग ये है कि माई नेम वॉज नॉट रिफ्लेक्टेड इन दैट एफआईआर, और वेयर इज हम वो एग्जाम को दिया ही नहीं, तो आप वो एफआईआर में हमको क्यों फंसा रहा है, ऐसा कहता है. तो इसलिए हम लोग ये कह रहा है, जैसे थॉमस गादुक का अगर केस ना, वो एफआईआर को जैसे जेई आपका RWD और AE में सीधा ले चलता, तो उसमें ये क्वेश्चन ही नहीं बनता, वो आसान हो जाता. ये जुडिशियरी सिस्टम में भी वो क्वेश्चन ही नहीं बनता, वो उसमें ज़्यादा आर्ग्यूमेंट का भी नहीं है. और इसमें ये है कि क्लब करने से क्या हो रहा है, जैसे पहले मैंने बताया कि एक इन्वेस्टिगेशन को ये करके थोड़ा सा करने दे के रुका के फिर दूसरा में ये स्विच हो जाता है, तो उसको फिर बाद में करेगा, ऐसा टाइप का कर रहा है. तो हम लोग ये कह रहे हैं कि उसको क्लब मत कीजिए, इंडिविजुअल ये एफआईआर ना, सेपरेट एफआईआर को आप उसमें आदमी लगाइए, और उसमें साथ ही साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेशन चलते रहना फॉर स्मूथ ये इन्वेस्टिगेशन के लिए. ये है, या अभी 2017 का जो कंबाइन कंपिटिटिव में उसमें क्लब किया गया पूरा एफआईआर को. यस यस, इसमें ऐसा है, आज तक का ऐसा है, अभी 2022 का पेपर लीकेज का AE सिविल का केस को CBI ये टेकअप कर रहा है अभी तक का. तो आने वाला दिन में हम लोग का भी डिमांड था कि CBI हम लोग का पूरा 2014 से लेके 22 तक CBI टेकअप करना, ये हमारा ही डिमांड था. तो उसको गवर्नमेंट कॉग्निजेंस में लेते हुए अभी ये SIC को ऐसा कुछ संदेश आ रहा है शायद, ये कि आप इसको हैंड ओवर कर देना है जल्द, ये जनवरी तक ऐसा आ रहा है. तो 2014 से लेके 2022 तक उसका केस को CBI ही लेगा, ऐसा है. हाँ, ऐसा लेने का बात है अभी. हाँ, इसमें ऐसा है, डोनेशन ड्राइव को हम लोग उस दिन भी किया है, थोड़ा मोड़ा किया है, और वेल विशर हम लोग को बहुत साथ दिया है. और इसमें हम लोग का जो पान अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमिटी करके, पान अरुणाचल JSC करके एक फेसबुक पेज है, उसमें सारा अवेलेबल होगा, हमारा जो डिटेल्स है बैंक डिटेल्स है उसमें अवेलेबल होगा. उसको आप लोग वो पेज को फॉलो कीजिए, और उसमें आप सब कुछ इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये कल को ऐसा होगा, अभी ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं. जैसे हम लोग हमारा जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसे अभी बगरा मैडम है, वो तो बहुत 100% दे रहा है, हम कह सकते हैं 200% एग्जिस्ट करने से, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है. लेकिन इनका इतना, जैसे इतना अरेस्ट हुआ है ना, तो वर्कलोड ज़्यादा होता है. तो हम लोग का तरफ से भी इनको असिस्ट करने के लिए एक रखा हुआ है, जैसे हम लोग एक एडवोकेट रखा हुआ है, उसको भी हम लोग ये देना पड़ता है कि नहीं. एडवोकेट भी तो अपना ये
प्रोफेशनल करता है उसको भी फीस चाहिए तो उसको देना पड़ता है। और कल को ऐसा भी एक टाइम आएगा जो अपना से भी हम लोग लर्निंग का टाइम आ सकता है। इसके लिए हम लोग सब रेडी रहना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी रेडी रहना पड़ेगा, मेंटली भी रेडी रहना पड़ेगा। इसलिए ये जो अपील कर रहा है ये लीगल साइड से भी हम लोग जरूरी होगा।